आंसू बहुत खास होते हैं। हम अक्सर मुस्कुरा तो किसी भी बात पर देते हैं, मगर आंसू बड़े संभाल कर रखते हैं। अक्सर लोगों के सामने उन्हें बहने से रोक लेते हैं। हर शख्स को हम अपने आंसू नहीं दिखाते, क्योंकि वो इतना ख़ास नहीं होता, मगर ये आंसू हम अपने रब के सामने ना तो रोकते हैं ना रोक सकते हैं। उसकी बारगाह में हाजिर होकर अपना सर उसके आगे झुकाकर हम जो आंसू बहाते हैं, वो किसी और के आगे बह ही नहीं सकते। हमारे आंसू इंसानों के लिए बेजुबान होते हैं, मगर हमारे परवरदिगार के आगे यही आंसू सारी दास्तान बयान कर देते हैं। क्योंकि जैसे ये आंसू ख़ास हैं ना, उसकी मोहब्बत भी उतनी ही ख़ास है, बेलोस बेहद मोहब्बत। मामलात अल्लाह की सपुर्द कर देने वालों को फिर अपने फ़ैसलों पे कभी अफसोस नहीं होता। दुख हद से बढ़ता है तो रातों की नींद उड़ जाती है, फिर वक्त तहज्जुद आँख भले सो जाए पर दिल नहीं सोता। कोई तो बात है जो बस पर्दा हुई है, वरना बिलावजह तो कोई भी शख्स सजदे में गिरकर जार जार नहीं रोता। नसीब के बिछड़े अक्सर मिल जाते हैं, मगर जो अपनी मर्जी से रुखसत हो जाए वो फिर वापस कभी नहीं लौटता। इंसान के दिल से शुरू होता है बंदगी का हर रास्ता। दिल दुखाने वालों पर वो अपनी मोहब्बत का दरवाज़ा नहीं खोलता। अल्लाह की मोहब्बत इंसान को हर तलब से पाक कर देती है, फिर वो अपनी इबादत को तस्बीह के दानों में नहीं पिरोता। उसकी रजामंदी के सामने नसीब बेबस हो जाता है। वो तो बस कौन कहता है, वो होने या न होने का नहीं सोचता। तुम्हारी अल्लाह से ये दूरी ही तुम्हें बेसकून रखती है। तुम भूल जाते हो उसे, पर वो तुम्हें कभी नहीं भूलता। कबूलियत का अंदाज़ मुख्तलिफ है बस उसका। वो या तो दिल बदल देता है या मन पसंद राह खोल देता है। वो माफ़ कर देता है, वो थाम लेता है। वो अर्श तक पहुँच जाने वाली दुआएँ वापस नहीं मोड़ता। ज़िंदगी में हर शख्स तुम्हें तुम्हारा खैर ख्वाह नहीं मिलेगा। जहाँ लोग तुम्हारे हुनर को तालियों से सिराएंगे, वही कुछ लोग तुम्हारे हुनर को मैला भी करेंगे। हर शख्स तुम्हें एक जैसा नहीं मिलेगा। कोई तुम्हारी ज़रा सी बात पे तुम्हें छोड़ कर आगे बढ़ जाएगा, और कोई तुम्हारे साथ ही रुका रहेगा। कोई तुम्हारी कामयाबी के मौके पे तुम्हें हसद की निगाह से देखेगा, और कोई तुम्हारी बुलंदियों पे रश्क करेगा। कोई तुम्हें सारी कायनात के सामने सारे ऐबों समेत बेपर्दा कर देगा, और कोई इन सभी ऐबों को समेट कर तुम्हें अपनी आगोश में छुपा लेगा। तुम्हारा वास्ता हर किस्म के इंसान से परेगा। ये तुम्हारा नसीब है, लेकिन फैसले का इख्तियार अल्लाह ने तुम्हें दिया है। यह अब तुम पर है कि तुम खुद को किन लोगों के गिर्द रखना चाहते हो, तुम किसके रंग में रंगना चाहते हो। खुशी और गम का इंतखाब इंसान खुद करता है। अब तुम्हें फैसला करना है कि किसकी बात को दिल से लगाना चाहते हो और किसकी बात को नज़रअंदाज करना चाहते हो। मगर जहाँ भी जाओ ये जहन नशीन रखना कि जो शख्स जिस तरह लोगों के सामने तुम्हारा तारुफ करवाता है, वो उस शख्स की अपनी ज़ात की हकीकत है, तुम्हारी नहीं। वो जो लफ्ज़ तुम्हारे लिए इस्तेमाल करता है, वो उसका अपना ज़र्फ है, तुम्हारा नहीं। हमारी ज़िंदगी में आने वाली और होने वाली हर चीज़ में अल्लाह की मसलियत है। किसी का ज़िंदगी में आना या चले जाना, रातों को उठ उठ कर रोना या चैन की नींद सो जाना, एक लम्हे में हज़ारों यादों का बनना और अगले ही लम्हे में उन तमाम यादों का बिखर जाना, ये सब अल्लाह की रज़ा से है। अल्लाह जानते हैं कि मेरा ये बंदा मेरी जानिब एक आवाज़ पे आ जाएगा, और उस बंदे को मुझे थोड़ी सख्ती से अपनी तरफ लाना होगा। तभी वह हमें ज़िंदगी की ऐसी हकीकतों से मिलवाता है कि हम टूट जाते हैं, फिर उसकी तरफ भागे चले जाते हैं। ठोकर पे ठोकर और बार बार गिरना, ये चोटें फिर अल्लाह तक लेकर जाती हैं, और ले जाएं भी क्यों ना, उसकी दस्तरस में ही तो बस हर जख्म का मरहम है। वो तो अल बसीर है, यानी हर चीज़ को देखने वाला। वो तुम्हारे साथ होने वाली हर ज़्यादती को देख रहा है, तुम्हारे हर दुख हर तकलीफ से वाकिफ है, और वो इंसाफ वाला और तुमसे मोहब्बत करने वाला भी तो है। बस अपने हालात उसके हवाले कर दो और बेफिक्र हो जाओ।
कभी कभार तकलीफ ऐसी मिलती है कि इंसान इतना थक जाता है कि जाए नमाज पर भी खड़े होने की हिम्मत नहीं रहती। बस फिर इंसान यूं ही चुपचाप सजदे में गिर जाता है, ना कोई गिला करता है, ना शिकायत, ना लड़ता है, ना जुबान से कुछ बयान करता है। बस तब दिल एक ही लफ्ज कह रहा होता है, या अल्लाह अब मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा। बस फिर तवील सजदा होता है, आंसुओं का सिलसिला रवां होता है और थकावट से चूर जिस्म होता है। जो थक कर गिर जाता है उसे फिर अल्लाह अपनी आगोश में छुपा लेता है। दुआ के बाद इंसान की मुलाकात इंतज़ार से होती है। जब इंसान उन चीज़ों का इंतज़ार करना सीखता है, नींद के बगैर सांस लेना भी दुश्वार होता है। इंतज़ार की कैफियत बड़ी जालिम होती हैं, ज़रा सी दस्तक होती है और इंसान जल्दी से दरवाजे की जानिब भागता है कि कहीं उस दुआ ने दस्तक तो नहीं दी जिसको मांगते हुए मुझे कितने बरस गुजर गए। कभी खिड़की से बाहर झांकता है तो कभी रात रात भर आसमानों को नम इंतज़ार से भरी निगाहों से तकता रहता है। फिर कभी इंतज़ार आंखों के ज़रिए बहने लगता है और कभी सिसकियों में सुनाई देने लगता है, मगर इंसान उफ तक नहीं कहता। दिल में रहने वाला रब दिल में उतरती दुआएं भी जानता है, वो मिलने के खुद रास्ते दिखाता है। तो ही तो तुम मांगने की तरकीब में सोच लेते हो, वो तुम्हें खुद झोली फैलाना सिखाता है। तो ही तो तुम जान पाते हो कि मौजज़े भी होते हैं। जैसे अल्लाह ने तुम्हारी रहनुमाई करके तुम्हें बताया था कि अल्लाह एक है, वो तन्हा खालिक है, सारी कुदरतें उसके रूबरू सजदा रेज होती हैं, बिल्कुल वैसे ही वो दुआओं की जानिब तुम्हारी रहनुमाई करता है कि ये ज़रिए हैं तुम तक वो सब लाने का जो तुम्हारे मुकद्दर में नहीं। वो कह चुका है कि तुम चाह भी नहीं सकते जब तक अल्लाह ना चाहे, तो फिर मान लो कि उसने चाहा है ऐसा होना, तभी वो तुम्हें यहाँ तक लाया है। उसने नामुमकिन को अब मुमकिन करना है, तभी वो तुम्हारी ज़ुबान पे खून की तलब लाया है। तुम्हारा सब्र तुम्हें उन मकामात तक पहुँचा सकता है जिसका तुम गुमान भी नहीं कर सकते, और इसके लिए तुम्हारा ये जानना ज़रूरी नहीं कि आगे क्या होगा या कैसे होगा। ये काम तुम अल्लाह पे छोड़ दो। तुम्हारा काम बस यकीन रखना है, मुमकिन से लेकर नामुमकिन तक, हासिल से लेकर लाहासिल तक, रोशनी और मौजज़े तुम में छुपे होते हैं और इन्हें तुमने खुद ही ढूंढना होता है।